नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के रिजल्ट का वेट खत्म होता हुआ। अभी आयोग ने एक लेटेस्ट नोटिस जारी कर दी है एएनएम के रिजल्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट पर जितने भी छात्र छात्राएं एएनएम के रिजल्ट का वेट करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे भी एएनएम के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचा जाते। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2022 को टारगेट करते हुए चक्षु पब्लिकेशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दिए। तो आप लोग भी अगर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर बाय करें। अपने नजदीकी स्टोर पर जाके आप लोग इस बुक को बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बुक एग्जाम ओरिएंटेड, टारगेटेड और कंसाइज बनाई गई है आप लोगों के एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो आप लोग इसको आराम से पढ़कर अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रखी गई आप सभी के लिए। इसके साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन ने अपने प्रैक्टिस सेट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। तो आप लोग इन दोनों बुक्स को अपने नजदीकी स्टोर से बाय करें, अपना एग्जाम क्रैक करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल कराई जा चुकी है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट आती हुई है अभी यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के फाइनल रिजल्ट पर एक काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण नोटिस जारी हो चुकी है। जितने भी छात्रों छात्राएं अपने रिजल्ट का और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे तो आयोग ने एक अपडेट जारी कर दी जिसके अनुसार आप सभी का अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट 25 जुलाई 2022 को ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया जाएगा। और ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, 25 जुलाई तक आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा जबकि कट ऑफ आप सभी का 20 जुलाई 2022 तक ऑफिशियल साइट upttripleSC.gov.in पर आ जाएगा। कट ऑफ पहले जारी किया जाएगा, बाद में आप सभी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, अंक भी आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ इस बार अधिक से अधिक छात्रों का सिलेक्शन होगा। आप सभी बता दें आयोग के अधिकारियों ने कहा है इस बार पदों की संख्या 9000 से भी ज़्यादा रखी गई है और साथ ही साथ छात्रों की अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा लो रही थी जिसके कारण इस बार अधिक से अधिक छात्रों का जो है सिलेक्शन होगा। कम कट ऑफ पर भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार काफ़ी बड़ी खुशखबरी आती हुई आप सभी का रिजल्ट 25 जुलाई 2022 तक जारी कर दिया जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट हमारे